यूपी के फिरोजाबाद में आपराधिक घटना दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेआम कत्ल की वारदात को अंजाम देकर बड़े ही आराम से कानून का मजाक उड़ाकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला थाना टूंडला का है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर अपराधियों ने बेखौफ होकर दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी और आसानी से भागने में सफल रहे। घटना जिला फिरोजाबाद थाना टूंडला NH2 की है, जहां पर बदमाशों ने अपने हौसलों को बुलंद कर सरेआम एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना लगभग दोपहर 2 बजे की है, जहां पर टूंडला निवासी राजवीर सिंह रोज की तरह फिरोजाबाद से टूंडला जा रहा था। तभी टूंडला स्थित NH2 पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के पीछे फिलहाल प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद चला आ रहा था। आज इसी को लेकर यह कोर्ट में तारीख कर वापस अपने घर टूंडला लौट रहा था, तभी यह घटना घटित हुई। किसने गोली मार दिया? अभी बता दीजिए, आप किसी का बहुत विवाद चल रहा है किसी कितनी जगह थी? 18। ये किस चीज का काम कर देता आपका भाई? घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल तफ्तीश में जुट गई है और मामले की छानबीन कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फिरोजाबाद में आपराधिक घटनाओं का दिनों दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पूरा क्या मामला है? इस शिवसर की गोली मार के हत्या की गई, ये पूरा क्या मामला है? इसमें एक राजवीर सिंह है जो टूंडला के रहने वाले हैं और ये फिरोजाबाद से मोटरसाइकिल से जा रहे थे। ये कांता पेट्रोल पंप है, उसके सामने फिरोजाबाद टू आगरा साइड में ये घायल अवस्था में इनको यहाँ लाए तो यहाँ इनकी मृत्यु हो गई है और इस समय मर चुकी है। इसकी पुलिस जांच कर रही है और जो भी कार्रवाई करेगी कानूनी कार्रवाई। क्या लगता है सर, कोई जमीनी विवाद सामने आएगा? अभी इस संबंध में जांच चल रही है। क्या कितनी गोली मारी है? अभी ये भी नहीं कहा जा सकता, चोटें उनके हैं और पीठ में चोट है। मुकदमा लगा दिया? अभी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। इनका काम क्या था? इनका काम प्रॉपर्टी डीलिंग का भी था और भी अन्य काम थे। कितने लोग थे मारने वाले? मारने वालों की भी संख्या संज्ञान में नहीं है, जांच जारी है। ANG न्यूज ब्यूरो के लिए फिरोजाबाद से शेखर के साथ लवकुश शर्मा।